यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स देखेंगे। सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। अब मान लेते हैं एक इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मान लेते हैं यहाँ पे जो कोई भी एक फंक्शन जो है पी वन पी टू ये नॉट एनालिटिक है। पी वन पी टू नॉट एनालिटिक। जब नॉट एनालिटिक कह रहे हैं मतलब इक्वल टू इन्फिनिटी। एनालिटिक होने से नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। पी वन इक्वल टू इन्फिनिटी, पी टू इक्वल टू इन्फिनिटी। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए जो है वो कहलाएगा सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, देन एक्स इक्वल्स टू ए इज सिंगुलर पॉइंट। अच्छा, और अगर हम कंसिडर करते हैं क्यू वन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू पी वन एक्स और क्यू टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर पी ज़ीरो एक्स। क्यू वन क्यू टू आर एनालिटिक या नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यू वन क्यू टू एनालिटिक। तो फिर एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए जो है ये कहलाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज ये रेगुलर कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म पे करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये पी वन जो है, पी वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे है थ्री बाई टू एक्स और पी टू इज इक्वल्स टू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई टू एक्स स्क्वायर। क्यू वन इज इक्वल्स टू है एक्स इंटू पी वन विच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू थ्री बाई टू एक्स, क्योंकि क्यू वन हमने एक्स माइनस ए इंटू पी वन एक्स कहा था, इसीलिए थ्री बाई टू एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू। वैसे ही क्यू टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर विच इज़ वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो पी वन पी टू दोनों ही नॉट एनालिटिक है, दोनों ही इन्फिनिटी होगा। अगर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो की हम बात करें तो पी वन पी टू दोनों ही इक्वल टू इन्फिनिटी है, यानी नॉट एनालिटिक है। तो इसीलिए जो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो है वो सिंगुलर पॉइंट होगा। क्यू वन और क्यू टू जो है हमारा, क्यू वन क्यू टू ये भी एनालिटिक है, ये तो एनालिटिक है। एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे क्यू वन क्यू टू नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। ये देखिए ये दोनों क्यू वन क्यू टू नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, यानी कि एनालिटिक है। तो फिर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना इस वाले इक्वेशन। ठीक है।